चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को यहां एक दिन में 3,70,00,000 केसेस सामने आए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केस ही बताए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24,80,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40,00,000 कोरोना मरीज मिले थे। तो चीन और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पर नजर रखने वाली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने एक वीडियो पोस्ट किया है और इसमें दिख रहा है कि सड़कों पर रस्सी बांधकर लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ये सब अस्पतालों में बेड की भारी कमी को दर्शाता है। बता दें कि शुक्रवार को भी एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें चीन के एक क्लासरूम में पढ़ाई के वक्त भी बच्चों को ड्रिप लगी थी।